इस वीडियो में हम बेहतरीन तीन बैट्समैन विराट कोहली, बाबर आजम और शुभमन गिल की फर्स्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। विराट कोहली का जन्म 1988 में हुआ था, शुभमन गिल का जन्म 1999 में हुआ था और बाबर आजम का जन्म 1994 में हुआ था। विराट कोहली की करंट एज 34, शुभमन गिल की करंट एज 23 और बाबर आजम की करंट एज 28। विराट कोहली की हाइट 5 फीट 9 इंच और वेट 70 kg, शुभमन गिल की हाइट 5 फीट 10 इंच और वेट 65 kg और बाबर आजम की हाइट 5 फीट 11 इंच और वेट 68 kg। विराट कोहली टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, शुभमन गिल भी टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और बाबर आजम पाकिस्तान की कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। विराट कोहली राइट हैंडेड बैट्समैन और नंबर 3 और नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, शुभमन गिल राइट हैंडेड बैट्समैन और ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं और बाबर आजम भी राइट हैंडेड बैट्समैन और ओपनिंग और नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट में उनके फर्स्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। विराट कोहली ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, शुभमन गिल ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। विराट कोहली ने फर्स्ट 25 इनिंग्स में कुल 324 ओवर बैटिंग की, शुभमन गिल ने फर्स्ट 25 इनिंग्स में कुल 213 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने फर्स्ट 25 इनिंग्स में कुल 212 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 891 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 738 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 582 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 2 बार नॉट आउट रहे, शुभमन गिल ने 2 बार और बाबर आजम भी 2 बार नॉट आउट रहे। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 116 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 110 अगेंस्ट बांग्लादेश और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 90 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। टेस्ट में फर्स्ट 25 इनिंग्स में विराट कोहली की बैटिंग औसत 38.75, शुभमन गिल की बैटिंग औसत 32.05 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 25.35। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 45.85, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 57.75 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 46.25। विराट कोहली ने कुल 3 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 6 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 4 छक्के और 104 चौके लगाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 12 छक्के और 89 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 1 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, शुभमन गिल 0 और बाबर आजम भी 0। टेस्ट में विराट कोहली की करंट एसेस रैंक नंबर 13, शुभमन गिल की करंट एसेस रैंक नंबर 48 और बाबर आजम की करंट एसेस रैंक नंबर 5। आप बात करते हैं ओडीआई में उनके फर्स्ट 21 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, शुभमन गिल ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। ओडीआई में विराट कोहली ने फर्स्ट 21 इनिंग्स में कुल 188 ओवर बैटिंग की, शुभमन गिल ने फर्स्ट 21 इनिंग्स में कुल 190 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम भी फर्स्ट 21 इनिंग्स में कुल 190 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 931 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 1254 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 1037 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 4 बार नॉट आउट रहे, शुभमन गिल भी 4 बार और बाबर आजम ने 1 बार नॉट आउट रहे। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 107 अगेंस्ट श्रीलंका, शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 208 अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 123 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ओडीआई में विराट कोहली की बैटिंग औसत 54.75, शुभमन गिल की बैटिंग औसत 73.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 51.85। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 82.50, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 109.80 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 90.80। विराट कोहली ने कुल 2 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 4 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 5 छक्के और 94 चौके लगाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 27 छक्के और 142 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 12 छक्के और 87 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने 2 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, शुभमन गिल ने 3 बार और बाबर आजम ने 2 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। ओडीआई में विराट कोहली की करंट एसेस रैंक नंबर 8, शुभमन गिल की करंट एसेस रैंक नंबर 5 और बाबर आजम की करंट एसेस रैंक नंबर 1। आप बात करते हैं T20I में उनके फर्स्ट 6 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। विराट कोहली ने 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I डेब्यू किया,
शुभमन गिल ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ T20 डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया। T20 में विराट कोहली ने फर्स्ट 6 इनिंग्स में कुल 16 ओवर बैटिंग की, शुभमन गिल ने फर्स्ट 6 इनिंग्स में कुल 20 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने फर्स्ट 6 इनिंग्स में कुल 25 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 111 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 202 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 162 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने एक बार नॉट आउट रहे, शुभमन गिल भी एक बार और बाबर आजम ने 3 बार नॉट आउट रहे। फर्स्ट 6 इनिंग्स में विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 28 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 126 अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 55 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। T20 में फर्स्ट 6 इनिंग्स में विराट कोहली की बैटिंग औसत 22.20, शुभमन गिल की बैटिंग औसत 40.40 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 54। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 115.65, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 165.50 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 108। सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी, विराट कोहली 0, शुभमन गिल ने 1 सेंचुरी बनाई है और बाबर आजम ने 1 हाफ सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली ने 1 छक्के और 13 चौके लगाए हैं, शुभमन गिल ने 10 छक्के और 19 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने 2 छक्के और 18 चौके लगाए हैं। मैन ऑफ द मैच, विराट कोहली 0, शुभमन गिल ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और बाबर आजम 0। T20 में विराट कोहली की करंट एसिस रैंक नंबर 14, शुभमन गिल की करंट एसिस रैंक नंबर 34 और बाबर आजम की करंट एसिस रैंक नंबर 3। अब बात करते हैं उनके अक्रॉस ऑल फॉर्मेट की बैटिंग करियर के बारे में। विराट कोहली ने 2008 से फर्स्ट 52 इनिंग्स में कुल 528 ओवर बैटिंग की, शुभमन गिल ने 2019 से फर्स्ट 52 इनिंग्स में कुल 423 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने 2015 से फर्स्ट 52 इनिंग्स में कुल 427 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 1933 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 2192 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 1782 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 7 बार नॉट आउट रहे, शुभमन गिल भी 7 बार नॉट आउट रहे और बाबर आजम ने 6 बार नॉट आउट रहे। फर्स्ट 52 इनिंग्स में विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 116 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 208 अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 123 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। फर्स्ट 52 इनिंग्स में विराट कोहली की बैटिंग औसत 42.95, शुभमन गिल की बैटिंग औसत 48.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 38.75। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 61.50, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 86.30 और बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 69.50। विराट कोहली ने कुल 5 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, शुभमन गिल ने कुल 6 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 3 सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 10 छक्के और 211 चौके लगाए हैं, शुभमन गिल ने 49 छक्के और 250 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 15 छक्के और 165 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने कुल 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, शुभमन गिल ने 4 बार और बाबर आजम ने 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनल मुझे लगता है टेस्ट में नंबर 1 पर आता है विराट कोहली, नंबर 2 पर आता है शुभमन गिल और नंबर 3 बाबर आजम। ओडीआई में नंबर 1 पर आता है शुभमन गिल, नंबर 2 पर आता है बाबर आजम और नंबर 3 विराट कोहली। और T20 में नंबर 1 पर आता है शुभमन गिल, नंबर 2 पर आता है बाबर आजम और नंबर 3 विराट कोहली। गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट बैट्समैन कौन है कमेंट में बताइए और अगला वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।